back to my channel and for today's video I have my best friend Monal urf that dusky girl or urf Atisha urf bahut sar urf today we are going to do a golgappa challenge let's see kaun jeetta hai haan, of course main hi jeetungi as a big foodie challenge we have little twist and we that is ki hum log ke paas do chutney hai alag alag which is one is very spicy and one is very 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 sweet I don't like sweet thing mujhe bhi nahi pasand hai to wahi to challenge hoga na to wahi challenge hoga ki hum log is ball se ek ek chit uthayenge aur jisme jo likha hoga wo flavor ka golgappa hum log ko khana hai and usi tarah se agar jo zyada golgappa khaya wo jeet jayega simple I hope mujhe spicy mile हाँ मिर्ची खा के तो पूरा चिल्लाने लगा छी मेरा ये पहला है फर्स्ट मजा आया गोलगप्पे वाले का फिर से स्वीट स्वीट I don't like sweet. हाँ इसको इसमें डाल देंगे डुबकी लगा देंगे मेरे खाते खाते मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से क्वेश्चंस पूछती हूँ कि वो रियली में मुझे जानती है या नहीं तो बताओ हम लोग फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे और कब मिले थे हम लोग मोहल्ला में ही देखे थे नॉर्मली बस देखी थी बात करने नहीं आई थी हाँ बहुत एटीट्यूड वाली दिख रही थी उस टाइम एकदम पता नहीं क्या शक्ल बना रही थी फर्स्ट टाइम तुम हमको तुम्हारा क्या इम्प्रेशन था मेरे लिए ओके मेरे को तो पता है घमंडी जैसी दिख रही थी ये बात भी नहीं करती मुंह फुला के ऐसे हो ए मैं हम बात नहीं करते किसी से भी बात नहीं कर रही थी हाँ तो हम बात ही नहीं करते खा लेती हूँ इसका बकवास सुनने से अच्छा कि तुम बताओ मेरे बारे में एक अच्छा और एक खराब बात पहले खराब बताओ खराब ये बात बहुत छुपाती है बिल्कुल भी नहीं सबसे हाँ, पहले तुमसे शेयर करते हैं अभी ना पहले नहीं बहुत सारी बात छुपा के रखती है बताओ मेरा खूबी बताओ 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 अरे बहुत इतना खूबी है ना कि मेरे को याद नहीं आ रहा अभी एक गुड क्वालिटीज तुम्हारा बताना और एक बैड ओके बहुत कम लोग हैं इसके लाइफ में जो फ्रेंड्स हैं जो इससे क्लोज हैं और उसकी वो केयर करती है ये केयर करती है जो थैंक यू इसके क्लोज है बोला है कि हम फटाफट ढोल है सबको सब कुछ बताते हैं तो खराबी 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 फटाफट ढोल से खराबी है इसको कुछ भी बताओ कुछ भी इसको बोल दो मंजरी ये सीक्रेट रखना है किसी को नहीं बताना तो वो सीक्रेट खत्म वो तो सीधे लूजर नहीं अभी नहीं अभी ना अभी नहीं हुआ रुको गेम ये नहीं था जो जब हार चुकी हो अपने आप को बचाने की कोशिश मत करो अपना हार को एक्सेप्ट करो हाँ ठीक है ना तो इसमें हार गया अभी बाकी है गेम फर्स्ट राउंड स्पाइसी करना अभी हम लोगों ने प्लेन वाला करा था अब स्पाइसी करेंगे इस बार नहीं है इस बार हम एकदम सीरियस रहेंगे इसको हटा देती हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल देते मैंने आई एम अ बिग फूडी इसलिए मैं जीतूंगी चलो ना अभी बहुत खाना बाकी है बाबू एक राउंड हाँ तो पहले मैं दो राउंड जीती हूँ एक राउंड जीती हूँ अभी फाइनल गेम में जो जीतेगा वही विनर है तीन अठारह गोलगप्पा खा लिया हमने
हालत खराब होने वाला हम लोग का. सबसे फेवरेट मेमोरी कौन सा था पूरा लाइफ में? मोमेंट, फेवरेट मोमेंट. फेवरेट मोमेंट कहीं से बहुत सारा था. एक डिपेंड करता है कि फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ. अगर फ्रेंड के साथ जब हम लोग 8th स्टैंडर्ड में नॉटरडेम स्कूल से हम लोग पढ़े हैं, तो जब 8th स्टैंडर्ड में हम लोग साथ में वहाँ ट्रिप पे गए थे साउथ इंडिया. हाँ, वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी है फ्रेंड्स लोग के साथ. ताओ, तुम्हारा लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन? एम्बैरेसिंग फ्रेशर्स था मेरा जब हम बहुत अच्छे से रेडी वेडी होके गए थे, बट उस दिन इतना बवाल हुआ, इतना बवाल हुआ. रोई थी. हाँ, पूरा रो दिए थे और मैं पूरा मूड खराब हो गया था उस दिन. तो सैड और एम्बैरेसिंग भी था, बिकॉज सबको बहुत, मतलब उस दिन सीनियर लोग के सामने बहुत झमेला हो गया था. सो सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट था. तुम्हारा बताओ, तुम्हारा सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा था लाइफ में? स्टैंडर्ड में थे तो देयर वाज अ बॉय, नेम नहीं बताऊंगी, जो कि वो देख रहा होगा तो समझ जाएगा. कंप्लेन करूंगा कि तुमने ऐसा बोला. फिर मुझे इतना बुरा लगा कि है ना, मतलब ऐसे कर रहा है. उसके बाद मैं रोने लगी. उसके बाद फिर और मुझे बोल रही थी, इसके बाद मैं उसके पास गई. मैं बोली प्लीज उसे समझाओ, नहीं प्लीज उसको बताओ कि हम नहीं कुछ किए. देख के उसको हंसी आया था. बोली थी प्लीज प्लीज बताओ, सर को नहीं बताया, मैम को नहीं बताया. हाँ, दिस वॉज वेरी. क्लास में तुम्हारा कोई क्रश था? सिर्फ हाँ या ना बताना, झूठ मत बोला, नहीं तो हम मम्मा कसम खिला देंगे तुमको. बस उसके बाद तुम्हारा सारा झूठ. क्लास में इन अ सेंस? नहीं, यहाँ मुंगेर वाले नॉटरडेम में. हाँ था, पर अब मतलब कुछ टाइम के लिए था. सबका होता है. कितना था? एक ही था. तो तुम बताओ, ऐसा क्या हुआ था जब तुमने डिसाइड करा था कि तुम्हें ब्लॉगिंग करना है? मुझे फैशन, ब्यूटी और ये सब में बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट मैं मॉडलिंग में जा नहीं सकती हूँ, मेरा हाइट कम है और बहुत सारा रीज़न था. और मुझे वहाँ पे इतना मेंटल प्रेशर रहता, वो मैं झेल नहीं सकती. तो मैंने सोचा कि यूट्यूब बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ मैं अपना सब कुछ क्रिएट कर पाऊँगी, मुझे किसी के अंडर में काम नहीं करना पड़ेगा एंड अपना टैलेंट दिखा पाऊँगी. एंड आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर इंस्टाग्राम प्रोफाइल दैट डज की गर्ल एंड सी स्टाइल. मतलब तुम कैसे इतना खा रही हो? आपको मेरे साथ जैसे खाया जाते खा रहा हूँ. तो 25 तक पहुँच जाओगी. ये 28 हो रहा है मैडम. 35 हम लोग का कैपेसिटी टेस्ट हो रहा है. गोलगप्पा खाने के चक्कर में इंग्लिश भी भूल गई. प्रणन इससे चढ़ा
अब क्या होगा? एक सिर्फ खा लिया हम लोगों क्रिकेट गोलगप्पा का पूरा खत्म हो चुका है और अब कोई गोलगप्पा बचा नहीं है और हम लोग एक दूसरे को मना नहीं करने वाले, बहुत कन्विंस किए। तो गेम ड्रॉ हो गया। तुम एक्सपेक्ट नहीं की थी कि हम मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पतली दुबली सी लड़की 40 गोलगप्पा खा जाएगी। हाँ अनएक्सपेक्टेड। तुम्हारा विनिंग स्पिरिट कहाँ गया था लास्ट? मेरा स्पिरिट पी कहीं चला गया। Okay, so that's it for this video. I hope you enjoyed it and I will meet you in my next video every Sunday and every Wednesday. I hope you guys like this video or please subscribe for more fun beauty fashion related stuff and yeah, until next time. Bye bye. Bye.